नमस्कार, हिंदुस्तान टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भूमिका। आइए देखिए खबर। कोविड 19 नोवल कोरोना वायरस के चलते जहां पूरा देश लॉकडाउन है और सभी प्रदेश की सरकारें अपने राज्यों में फंसे भारी मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाने में लगी हैं, वहीं मध्य प्रदेश में इसका उल्टा ही देखने को मिल रहा है। ग्वालियर जिले के भितरवार अनुभाग में स्थिति बरतरी भानपुर ओम स्मेल्टर एंड रोलर प्राइवेट लिमिटेड सरिया स्टील फैक्ट्री में फैक्ट्री संचालक चोरी छुपे भारी मजदूरों को बुला रहा है, जिनकी कोरोना वायरस की जांच नहीं कराई गई है। फैक्ट्री में आए भारी मजदूरों से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। कहीं इनमें से कोई कोरोना से संक्रमित तो नहीं है, क्योंकि फैक्ट्री में स्थानीय लोग भी काम करने जा रहे हैं और वे लोग भी इन्हीं के संपर्क में आते हैं। यदि इनमें से किसी को भी कोरोना हुआ तो सभी लोग इससे ग्रसित होना तय है। वहीं प्रशासन जानकारी हेतु वे भी अनजान बन रहा है। डबरा से हिंदुस्तान टुडे के लिए संवाददाता ओम बाबू प्रजापति की रिपोर्ट। मैं आपका क्या मामला है जो आप ग्रामीण यहाँ इकट्ठे हुए? मेरा नाम दिनेश बघेला है। हाँ जी, मानपुर गांव से रहने वाला हूँ, जो कि ये फैक्ट्री के जस्ट पीछे ही लगा हुआ है। और हमें ये शिकायत है कि अभी जैसे कि हमारा कोई व्यक्ति बाहर से आता है, क्या ये सिर्फ मजदूरों के लिए ही लागू होता है क्या लॉकडाउन, वो क्वारंटाइन जो कि उसको आने के बाद इतनी मीलों चलने के बाद आता है और उसे 15-20 दिन अलग रखा जाता है। यहाँ जो लोग आए हुए हैं फैक्ट्री में महाराष्ट्र एंड दिल्ली से, जो कि महाराष्ट्र वो इसका महामारी का हॉटस्पॉट रहे हैं, वो लोग आए हुए हैं, उनके क्वारंटाइन की कोई व्यवस्था नहीं है। क्या उनका एक सिंपल सा टेस्ट लेके और मान लिया गया कि वो उनको कुछ नहीं होने वाला?